महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर भालेराव ने एनसीपी शरद पवार गुट का दामन थामा है। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर भालेराव ने एनसीपी शरद पवार गुट का दामन थामा है। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर भालेराव ने एनसीपी शरद पवार गुट का दामन थामा है। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर भालेराव ने एनसीपी शरद पवार गुट का दामन थामा है।